पूनिया जी, यहाँ पर मंच पर मौजूद मंगेश चौधरी जी, बलवान खजूरिया जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, रफीक कुरैशी जी, राम स्वरूप गिल जी, सुरजीत बिजारनिया जी, विनय पचार जी, हमारे जिला कलेक्टर नथमल डिडेल जी, तमाम सम्मानित मंच, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बलवान पूनिया जी के साथ ही जो भी मंच के ऊपर हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं आप सब आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों सबको सबसे पहले प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप सबकी मदद से, आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग मंच के ऊपर बैठे हैं। ये जो मुकुट चांदी का चाहे मुझे पहनाया, चाहे बलवान पूनिया जी को पहनाया, अगर इसका कोई असली हकदार है तो आप सब लोग हो, जिनके कारण से, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग विधायक बने, मंत्री बने, सरकार बनी। मैं समझता हूं कि जितना आपका अभिनंदन इस मंच के माध्यम से किया जाए उतना कम है। पत्रकार भाइयों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग पधारे। मैं 15, 20, 25 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। भाई पलवान पूनिया जी जब विधायक बने और जब राजस्थान की विधानसभा में सबसे पहले शपथ के साथ में जब प्रथम सत्र था और जब वो आपके इलाके की बात रख रहे थे राजस्थान की विधानसभा में, तो मैं सोचने लगा कि मैं जिस जिले से, सीकर जिले से आता हूं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के काफी साथी हैं। अमरा राम जी 4 बार विधायक रहे हैं, पेमा राम जी भी विधायक रहे, वो भी अपनी बात राजस्थान की विधानसभा हो चाहे बाहर हो रखते थे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से झूठी प्रशंसा नहीं करता, सही बात कहना चाहता हूं। इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि बलवान पूनिया जैसा सकारात्मक सोच का विकास के प्रति और अपने इलाके के प्रति का व्यक्ति हजारों में नहीं, लाखों में नहीं मिलता। एक दिन मनमुटाव नहीं, एक दिन आठ मोड़ी नहीं, और एक ही बात, भाई जी कांग्रेस के साके तो हाँ पर माने माल चाहे इलाके के लिए। मैं क्यों माल में समझो बनी, बोले स्कूल खोल दो, तहसील खोल दो, सड़क बना दो, बिजली का ग्रेड बना दो, नहर को पानी ला दो। मैं क्यों साहब, तो थे सरकार के समर्थन में तो हो, लेकिन पार्टी, बोले पार्टी पूर्टी मेरे इलाके के लोगों को काम हो जाए ना, मेरे कोई परवाही नहीं। मैं देखियो भाई, भाषण तो नेता देवे है लेकिन खरिया थोड़ी उतरे है। लेकिन जब इस सरकार के ऊपर संकट आया, सुनी हुई सरकार को षड्यंत्र रचा गया गिराने का, उस वक्त अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नेता, अगर कोई एमएलए, अगर कोई कांग्रेस पार्टी का सच्चा साथी मददगार के रूप में खड़ा हुआ तो आपका विधायक बलवान पूनिया। उसने किसी बात की परवाह नहीं, और तब से हमने ये तय कर लिया कि ऐसा व्यक्ति जो जनता के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर किसी बात की परवाह नहीं करते हुए वो जनता का विकास चाहता है, तो हमारी सरकार जो जनता के आशीर्वाद से बुनी है, जिसके मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, उनकी भी यही सोच है कि इलाके का विकास ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरियां कैसे मिले,
हमारे युवा साथी जो नौकरियों की तलाश में रहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे रोजगार मिले, इस सोच के साथ में गरीब को गणेश मान करके जब हमारी सरकार काम कर रही है तो ऐसे व्यक्ति को पीछे रखने का कोई मतलब नहीं है। और हमने तय कर लिया मुख्यमंत्री जी, हमने इस साथी को आगे बढ़ाएंगे विकास के काम में। कांग्रेस पार्टी के विधायकों से 21 करके इनको देंगे, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया परवाह नहीं किसी बात की, कोई ओड़मा दे रहा है, पार्टी से निकाल रहा है, ले रहा है, मेरे को तो मौका दिया है बादरा की जनता ने, मैं उस जनता का कर्ज चुका तो नहीं सकता लेकिन विकास के काम करा के कम कैसे कर सकता हूँ, ये संकल्प मेरा लिया है, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। और एक लोकप्रिय सरकार का काम क्या होता है, जब बन जाते हैं तो सबके, आज राजस्थान का प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता हो चाहे कोई भी विचारधारा रखता हो, उसका सबका अधिकार है कि राजस्थान की सरकार में जो भी योजनाएं आए, जो भी विकास काम हो, जो भी उनकी समस्याओं का समाधान हो, वो सब उसके हिस्से में भी होना चाहिए, क्योंकि सही मायने में सरकार सबके लिए होती है, केवल एक पार्टी के लोगों के लिए नहीं होती है। और इस धारा को आगे बढ़ाने का काम आपके साथी, आपके विधायक, आपके लोकप्रिय नेता बलवान पूनिया जी ने किया। एक बात की मैं और मुक्त कंठ से तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके का दौर चल रहा है, केंद्र में भाजपा की मोदी जी की सरकार चल रही है, और जिस प्रकार से चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे किसानों की समस्याओं को हल करने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को गौण करके केवल और केवल तानाशाही पूर्वक, बल पूर्वक, और CID, CB, पता नहीं CBI, ED, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। ऐसे में हम सबको मिलकर के किसान की बात को कैसे रखा जाए, इस बात का प्रयास करना चाहिए। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 2.5 साल हो गए हमारी सरकार को, 2.5 साल में से 1.5 साल कोरोना रहा, कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने सब दवाइयां फ्री की, जांचें फ्री की, आप सब ने देखा होगा कि 400 VC करके प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं गया कि लोगों से नहीं पूछा हो, डॉक्टरों से नहीं पूछा हो, विदेशों के डॉक्टरों से संपर्क नहीं किया हो, कोई छूट देनी हो, हॉस्पिटल प्राइवेट में इलाज कराने की, फ्री करने की बात हो, जांचें करने की बात हो, तो उसमें सब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने अग्रणी भूमिका निभाई, और उसके कारण से आज हिंदुस्तान में मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि राजस्थान कोरोना के मामले में बेहतर, सबसे बेस्ट राज्य बना, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इलाज यहाँ पर जनता का हुआ, और इसका आशीर्वाद भी हम सबको मिला। आप देख सकते हैं जब पहले कोई जमाना था, जब भाजपा के जमाने में पिछले साल की, मैं पिछले 5 साल की बात कहना चाहता हूँ, मैं विधायक था, रामेश्वर डूडी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे और मैं सचेतक था, मुख्य सचेतक, हम चिल्ला चिल्ला के थक गए लेकिन एक हैंडपंप उस BJP की सरकार ने हमको नहीं दिया। हम 21 से 24 हुए, हमने भी पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन 1 किलोमीटर सड़क हमारे कहने से नहीं हुई। उसी वक्त हमने संकल्प लिया था कि अगर हमारी सरकार अगली बार राजस्थान की जनता बनाएगी तो इस भेदभाव को खत्म करने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा कि 5 करोड़ की मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणाएं की सड़क प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो BJP के विधायक ने कहा वहां भी बनी, बलवान पूनिया ने कहा वहां बनी, और कांग्रेस के विधायक ने कहा वहां बनी, चाहे हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी हो उसने कहा वहां बनी, एक भी विधायक राजस्थान का दोस्तों में से कह दे कि मुख्यमंत्री ने कोई भेदभाव किया हो तो सरकार बनने के बाद भी उसका दायित्व तो होता है, उसका धर्म बनता है कि हम सबके लिए विकास की बात करें। केवल आरोप प्रत्यारोप, चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र, किसी की सुनना नहीं, दादागिरी, हिटलर शाही से सरकार चलाना, इसके लिए जनता वोट देती है क्या? इसके लिए जनता वोट नहीं देती है। और वो किसान
आज 9 महीने से आंसू रो रहा है, सड़कों पे बैठा है, धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, सुन रहे हैं क्या मोदी जी? अरे मोदी जी, आप किसान के वोट से बने हो, अडानी और अंबानी के नोट से नहीं बने हो। अडानी और अंबानी का नोट अगर काम करता तो अडानी और अंबानी जी बन जाते देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ये किसान का गरीब का वोट था जिसके कारण से आप लोग वहां सत्ता में बैठे। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया कहने का जुमला देने वाले लोग, 7 साल में कोई हिसाब दिया तो बता दीजिए। महंगाई किस कदर बढ़ रही है आप बता दीजिए। पेट्रोल डीजल के क्या भाव है आप बता दीजिए। खाने वाले तेल के, खाने वाले अनाज के, दालों के क्या भाव है आप बता दीजिए। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब एनडीए प्रथम बनी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले अगर किसी पे कैंची चलाने का काम किया तो वो भूमि अधिग्रहण कानून, जिसके तहत किसान की इच्छा के अनुसार यूपीए सरकार ने वो कानून बनाया था कि जब तक किसान नहीं चाहेगा तब तक उसकी जमीन किसी भी उद्योगपति को नहीं दी जाएगी। वो कानून सर्वसम्मति से बना था, उसमें बीजेपी भी सहमत थी। उसके बावजूद अगर सबसे पहले संशोधन करने का अगर प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में और राज्यसभा में, तो वो किसान के भूमि अधिग्रहण कानून का लाया गया। किसान उठ खड़ा हुआ पूरे देश का, राहुल गांधी जी ने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी हुई, तमाम विपक्ष की पार्टियां साथ में खड़ी हुई और उनको मजबूर किया कि आप किसान के जमीन को जो हड़पना चाहते हैं, जो साजिश रच रहे हैं, वो साजिश आपकी कामयाब नहीं होने देंगे। जब दोबारा मौका आया, 5 साल का हिसाब देने का मौका आया, तो मोदी जी ने हिसाब दिया क्या? 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देना, यानी 10 करोड़ को नौकरी देने का हिसाब देना चाहिए था। जो गैस का सिलेंडर 300-350 में बिकता था वो 800 में कैसे बिक रहा है उसका हिसाब देना चाहिए था। जो पेट्रोल और डीजल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 140 और 150 रुपए के लगभग प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल प्रति बैरल भाव था, उस वक्त हम 50 और 55 रुपए में डीजल पेट्रोल दे रहे थे, आज केवल 50 और 55 रुपए है, तो हम 100 के 106 और 107 में पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। इसका हिसाब देना चाहिए था, दिया क्या? केवल सेना के शौर्य के पीछे छुप करके जो किसान का बेटा सीना तान करके गोली खाने के लिए वहां पर सरहदों के ऊपर है, उसके शौर्य के पीछे छुप करके, और उन्होंने दोबारा सत्ता ले ली। सत्ता लेते ही 3 काले कानून, क्या है ये काले कानून? एक भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर इसके बारे में बता दे कि 1 रुपए का फायदा इस 3 काले कानूनों से किसानों को हो, तो हम जो वो कहें वो करने को तैयार हैं। एक बीजेपी का नेता राजस्थान की विधानसभा में, बलवान जी ने भी कहा, हमने भी कहा कि आप बता तो दीजिए इन 3 कानूनों में ऐसा क्या है और ऐसा क्या फायदा है जिससे किसान को फायदा मिलने वाला है। हमने ये भी कहा बता दीजिए किस किसान संगठन ने इन 3 काले कानूनों को लाने के लिए आपसे निवेदन किया, कभी मांग पत्र दिया हो, कभी राज्यसभा में लोकसभा में किसी सांसद ने मांग उठाई हो, किसी हिंदुस्तान के किसी स्टेट में किसी विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ हो। आप जबरदस्ती ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं जिससे किसान की मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, किसान की MSP खत्म हो जाएगी, किसान की जमीन के ऊपर बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। एक बार लालच देंगे और लालच देकर के उसके बाद में वो उस में किस तरह की रसायन डालेंगे, किस तरह की खाद डालेंगे, 3 साल बाद में वो जमीन बंजर करके चले जाएंगे, उनके एजेंट आएंगे फर्जी चेक दे करके हमारा सामान ले जाएंगे, वो चेक का अगर भुगतान नहीं होगा तो हम कहां जाएंगे, कोर्ट में जाने के लिए कानूनों में मना कर दिया। तो ये सब बातें तो आप ला क्यों रहे हो? लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का चुनाव लड़ा जा रहा था, मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के लिए उनको उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने घोषित किया था, तब इन उद्योगपति चंद मित्रों से सौदा हुआ था कि जितना हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी और एनडीए को पैसा चाहिए वो देंगे, लेकिन आपको तेल पे कब्जा कराना पड़ेगा, आपको रेल पे कब्जा कराना पड़ेगा, आपको LIC पे कब्जा कराना पड़ेगा। और जब दोबारा चुनाव आए तो कहा किसान की उपज के ऊपर, खेती के ऊपर कब्जा कराना पड़ेगा। वो बंद कमरों में बैठ करके किसान की आत्मा का सौदा करने वाले लोग आज किस मुंह से यह बात करते हैं कि किसान उनको वोट दे?
किस बात का वोट चाहते हैं वो? आप एक रुपए का फायदा बता दीजिए किसान को, वो कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो कानून में क्यों नहीं डालते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी? कानून में नहीं डालने का क्या कारण? हमने राजस्थान की सरकार में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बलवान पूनिया जी को साथ लेकर के आपके उन तीनों काले कानूनों से बचाने के लिए तीन जो कानून लेकर के आए उसको राज्यपाल से आके क्यों नहीं जाने दे रहे? ये सवाल जनता जानना चाहती है। पहले बजट में आप देखिए, लोकप्रिय सरकार की निशानी मैं बताना चाहता हूं, जब पहला बजट आया मुख्यमंत्री जी ने 1850 करोड़ रुपए स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए, 1260 स्कूलें पहले बजट में क्रमोन्नति करने का काम किया। आज जो हम लिस्ट गिन रहे हैं, चाहे बलवान पूंजी के कहने से हुआ हो या आपके डिमांड से हुआ हो, लेकिन तमाम स्कूलें अगर 7, 8, 9, 10 में देख रहा था कि 3, 5, 9, 10 अंग्रेजी स्कूलों के साथ में 10 स्कूलें क्रमोन्नत हुई, 4 जो है वो विषय भी हुए, संकाय भी 3 हुए, और पहली बार राजस्थान के इतिहास में 600 कृषि संकाय खोलने का फैसला इस राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने लिया। किसान का बेटा एग्रीकल्चर स्कूल नहीं पढ़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के समय उसको विषय बना दिया था, फैकल्टी के बजाय संकाय के बजाय विषय बना दिया था कि कोई पढ़ नहीं सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया। हमने कहा गरीब का बेटा 70 साल बाद में प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखता रहता है, इंग्लिश स्कूल पढ़ नहीं सकता है, इंग्लिश स्कूल में जा नहीं सकता है, उसके बाद फीस चुकाने के लिए पैसा नहीं होया, तो 70 साल बाद में क्यों नहीं गरीब का बेटा अंग्रेजी स्कूल में वो भी पढ़े? उसका भी सपना है, गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का बेटा का, वो सपना उसका पूरा क्यों नहीं होना चाहिए? पहले 33 जिलों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, उसके बाद में 201 खोली, और अब जहां भी 5,000 की आबादी का गांव होगा, राजस्व विलेज होगा, वहां पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगी। आज 71,000 से ज्यादा बच्चे गरीब के पढ़ रहे हैं, वो 1,00,000 रुपए तक की फीस देते थे, 25,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक के, अगर किसान का, गरीब का, दलित का अगर बचने का काम, पैसे जेब में बचने का काम किया है, तो ये अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने, आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार ने किया है, जिसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं आपके विधायक बलवान पूनिया। आप स्कूल खुलवाओ, कमरे बनाओ, सड़कें बनाओ। पहली बार राजस्थान में कोरोना होने के बावजूद अगर ऐतिहासिक बजट देने का काम किया, तो आपकी लोकप्रिय सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी वाले जब बजट अब की बार का पेश हुआ तो मेरे वो कहने लगे, डोटासरा जी मध्यावधि चुनाव होंगे क्या? मैंने कहा आपको कैसे आभास हुआ? बोले ये बजट इतना शानदार आ गया कि हमारे पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। तो मैंने कहा आप क्या करोगे? बोले आप, हम सब पश्चिमी गेट से जाते हैं, हम पतली गली से पूर्वी गेट से निकल जाएंगे, आज बोलने के पास हमारे पास कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़े तो जनता राजी होती है, और नेता जो होता है वो असली नेता वही होता है जो जनता के मन की जानता है, जनता के दुख दर्द को मिटाने की बात करता है, उसके लिए संघर्ष करता है। नेता तो वो होता है एसी में बैठ करके टाटा बाय बाय करके और साजिश रचते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, सरकार गिरनी चाहिए। अरे भाई क्यों गिरनी चाहिए? 5 साल के लिए बनाई है, आपसे अगर अच्छी चलेगी तो दोबारा रिपीट होगी। आप इस सरकार की योजनाओं में कमियां खामियां बताइए, अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है तो आप राजस्थान की विधानसभा में बताइए, सड़क के ऊपर बताइए, आपका काम है प्रतिपक्ष का। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, कोई योजनाओं की कमियां खामियां नहीं बता रही है, कोरोना काल में क्या हो रहा वो नहीं बता रही है। 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में एनडीए सरकार है उससे राजस्थान के लिए पानी का पैसा लाने की बात नहीं कर रही है, सड़कों का पैसा लाने की बात नहीं कर रही है। अशोक गहलोत की सरकार 2.5 साल में गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी भाई? बलवान पूनिया जैसे मजबूत साथी साथ में है, क्यों गिर जाएगी आप बताइए? ये कोई यूं ही खंभा रोपा हुआ क्या तो गिर जाएगी? ये तो जाट्टी का पेड़ है, किसान की आत्मा है, किसान के वोट से बनी हुई सरकार है, 5 साल भी चलेगी और दोबारा आपके आशीर्वाद दोगे तो 5 साल और चलेगी, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा।
अगर सच्चा हितेशी कोई है तो मैं समझता हूं उसको किसान की आवाज को सुनना पड़ेगा। अगर किसान की युवाओं की बात नहीं सुनेंगे तो फिर वोट किस बात के? लोकप्रिय सरकार तो वही होती है जो आत्मा की आवाज सुनती है। अगर आपको दो पैसे लगा कि सरकार ने ठीक काम किया है, बलवान पूनिया ने ठीक काम किया है, डोटासरा ने ठीक काम कर रहा है, पिछले 5 साल में इस सरकार को घेरने का काम ठीक काम किया, तभी तो इतने लोग आए हो भाई साहब। ऐसे नहीं आते हैं। बीजेपी का कोई बड़े से बड़ा केंद्र का मंत्री आके बता दे राजस्थान में इतनी बड़ी सभा कर दे तो वो कहे जो करने को मैं तैयार हूं, कपड़े फड़ा के जाएगा। मैं नहीं कहता फाड़ेंगे, जनता अपने आप फाड़ देगी। 2.5 साल बाद में आशीर्वाद सभा वो क्या यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस मंच के माध्यम से, किस बात का आशीर्वाद? जब हम किसी साधु संत के धोख खाते हैं उसका आशीर्वाद लेने जाते हैं, या बड़े बुजुर्ग का हमारे परिवार में जब आशीर्वाद लेते हैं तो 2 रुपए दक्षिणा के देते हैं कि साहब आशीर्वाद दो, और ये क्या कर रहे हैं? 1 फूटी कोड़ी 2.5 साल में नहीं, 1 फूटी कोड़ी आगे नहीं। एक दिन कहते हैं वसुंधरा जी का पोस्ट लगा दो, दूसरे दिन कहते हैं नहीं नहीं इसको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखना, इसका तो फाड़ दो। अरे बाबा जी तुम्हारे पोस्ट है, तू तो चिपका रहे हो, क्यों फाड़ रहे हो? ये जनता अपने आप फाड़ देगी। तुम्हारे पोस्टों में दम है नहीं, अब तुम्हारे पोस्टों का दम देख लिया। जब मोदी जी बोलते थे युवाओं का भारत, युवाओं के लिए ये कर दूंगा, युवाओं के लिए ये कर दूंगा, क्या कर दिया बताइए? युवाओं को नौकरी दे दी क्या? कितनी बैंक की नौकरियां खुली? केंद्र जब रेलवे है, केंद्र में है तो केंद्र में रेलवे की कितनी नौकरियां आई, कितनी SSC की नौकरियां आई? आप बता दीजिए केंद्र की किसी भी विभाग में कितनी नौकरियां आई? कोई नौकरी नहीं। और हमने राजस्थान की विधानसभा में ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय जब मैं शिक्षा मंत्री बना, एक शिक्षक का बेटा, मेरे पिताजी शिक्षक थे, जब मैं पहली बार जब मैंने देखा सुबह 6 बजे अखबार में कि मुझे शिक्षा मंत्रालय दिया गया है तो सब लोग शिक्षा मंत्रालय से घबराते हैं, लेकिन मेरे आंखों में सुबह 6 बजे खुशी के आंसू थे कि मेरा पिता टीचर था, मुझे इस लायक बनाया और लक्ष्मणगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया, 3 बार जिंदा रखा, 3 बार चुनाव जिता के भेजा, मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व तो मिला है, मेरा धर्म बनता है गरीब के लिए, किसान के लिए, सबके लिए, उनके लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करूं। आज ये शिक्षक साथी बैठे हैं, रोजाना धरना प्रदर्शन करते थे, 2.5 साल में 1 धरना प्रदर्शन किया हो तो बता दीजिए। कोर्ट में जाने के बाद में वेटिंग लिस्ट अगर किसी ने निकाली तो वो कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार, कि हमने सुप्रीम कोर्ट से भी वापस नौकरियां लाने के लिए, बच्चों को नौकरी देने के लिए किया, हाई कोर्ट में DB में भी वापस हमने रिट वापस दी है कि नहीं इन बच्चों का हक है, इनको नौकरी दीजिए। 21,000 की भर्ती निकाल दी है, 30,000 की भर्ती अब 10-15 दिन में निकालने वाले हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि किसान तब आगे बढ़ेगा, किसान का सही मायने में कल्याण तब होगा जब उसकी आप सुनोगे, उसकी समस्या का समाधान करोगे, उसके खेती के लिए काम करोगे, पीने के पानी के लिए काम करोगे, उसके बेटे को नौकरी देने का काम करोगे। पहली बार 600 कृषि जो है संख्या, 600 कृषि संख्या आज तक के इतिहास में 70 साल में 600 नहीं है, और एक बजट में 600 किसान के लिए, ये किसान का बेटा अगुआ हुआ और मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर मोहर लगाई। मैं कहना चाहता हूँ एक काम ऐसा नहीं है 2.5 साल में कि मैंने किसान के लिए, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो काम मुख्यमंत्री जी को कहा वो उन्होंने तुरंत स्वीकृति देने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को मिल करके अच्छे काम करने चाहिए। जब बलवान पूनिया जी गए कि साहब स्कूल वापिस खुलनी चाहिए, मेरी बात का सवाल है, मैंने कहा आपकी बात का सवाल नहीं है, आप लालची हो। बोले कैसे? मैंने कहा दोबारा जीतने का पुख्ता प्रबंध करना चाहते हो? बोले इन बुराई का ही है, मैं धारे सागे ही तो हूँ। मैं क्यों भाई, वो तो देखो जनता जाने, लेकिन आपने कह दिया आपकी मांग है ये स्कूल भी खुलेगी। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र भादरा के लिए जो बलवान पूनिया कहेगा वो विकास के काम में कभी भी हमारी सरकार की जमीन रहेगी। अभी मेरे को कह रहे थे कि जलसा जमा क्या, मैंने कहा जमा? बोले इससे 21 जमा दूं, 2 जमा दूं, 100 जमा दूं। मैंने कहा क्या कला है? बोले कला आई है
14 बारानी गांव है, जकाने नहर को पानी ला दो, मैं लाखा की भीड़ कर दूंगा। और मेरे एक ही सपनों है, दूसरे सपनों को नहीं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको बहुत चाहते हैं, यहाँ की जनता आपको बहुत चाहती है, और मेरे दिल में भी थारे प्रति अच्छी दुख दुखी है, तो मैं आपके सुप्रीम कोर्ट का वकील बन करके सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने आपके 14 गांव में पानी लाने के लिए पैरवी करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, क्यों नहीं करेंगे? पार्टियां अपनी जगह, लेकिन जब जनता के हित की बात आती है, किसान के हित की बात आती है, गरीब के हित की बात आती है, तो उसके बाद में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और अगर पार्टी पॉलिटिक्स फिर होता है तो फिर बीजेपी रहे, हमें क्या फर्क है भाई? किसान की 9 महीने से आवाज नहीं सुन रहे, एक बात करने को तैयार नहीं, कभी मवाली बता देते हैं, कभी कुंडे बता देते हैं, कभी चोर बता देते हैं, कभी अफगानिस्तानी बता, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। अरे भाई शर्म तो करो, ये किसान ये कह रहा है भाई मांगे ही नहीं, वो कानून क्यों दे रहे हो, जबरदस्ती क्यों पिला रहे हो? भाई फूको जी इन दो जुआरी देता सही दे क्या, बड़े आड़ू चालता ना जुआरी देगे कोई फूको तो फूको तो बुआ ने सोरी रख है, है? अरे सात फेरा देर बुआ जी ने लेको है, अरे बटे कड़ा कर खुआवे तो बिकी तो जुआरी बने, लेकिन ये ले चालते ने कोई रोटी तले हो तो गाल सके, लेकिन जुआरी को नहीं देवे। तो इसलिए जबरदस्ती के थोपे हुए काले कानून है, इसको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अब उप तहसील बहुत अच्छी बात, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल बहुत अच्छी बात, बाकी संकाय खुले बहुत अच्छी बात, रोडे बन रही है बहुत अच्छी बात, पानी की योजना बलवान जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जब पहली बार विधायक बना था तो मेरे यहाँ खारा पानी है, फ्लोराइड का पानी है, तो मेरे साथी थे वो सीनियर थे फतेहपुर के, हमारे बहुरू खां जी जो मालिक के प्यारे हो गए, उम्र कम लेके आए, उनका भाई आकम मेरे साथ में विधायक है, उनको मैंने कहा फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के लिए हम पानी की एक योजना लेकर के आते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी था पानी, बोले यार डूटासरा अपन कूदे 600 करोड़ रुपया लगेगा। मैं क्यों आप एक प्रयास करा, मैं भी आकाड़ी जी जुनूनी पक्को हो, मैं क्यों वकील वह जो कदे हार को नहीं माने, फैसलो सुना देना तो भी क्लाइंट ना आई गए सच गड़बड़ कर दी, मैं कमी को नहीं छोड़ती, ठीक है ना? तो मैं क्यों भाई, मैं तो अंतिम किनारे तक हार को नहीं मानू, तो हम लगे रहे। 832 करोड़ रुपए की योजना बनी और राजस्थान की विधानसभा में पहला ये उदाहरण था कि 832 करोड़ रुपए पहले बार विधायक बनने वाला लेकर के आया, और आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वो गंगा जल जो 100 साल दादा ने पूरा हुआ, जगह दिन कह गंगा जल लिया जो बा, गंगा जल कोई के लादा है नहीं लादा है, लेकिन हर घर में लक्ष्मणगढ़ के टूटी के माए ने गंगा जल आ रही हो, वो काम हुए हो तो राजस्थान की मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता दूसरी बार भी जीता हो, तीसरी बार भी जीता हो, और तीसरी बार जीता हो जना शिक्षा मंत्रालय भी मिले हो और प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व भी मिले। अगर नेता में दम हो, काम करता हो, तो बलवान पूनिया जी जनता कभी एहसान फरामोश नहीं होती, नेता ही हो जाते हैं। एसी में बैठ बावड़ा हो गया, गई है जीत जा वाला टिकड़म कर, टिकड़म करके जीतने वाला जमाना चला गया, घर में 5 मेंबर है तो 5ों अपने विचार रखते हैं, 5ों अपनी अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे लिए आपने क्या किया। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालय अगर और खोलने पड़ेंगे, विषय संकाय खोलने पड़ेंगे, शिक्षा के विभाग में जो भी काम आपकी विधानसभा की प्राथमिकता में होगा वो गोविंद सिंह डोटासरा की कलम उसके ऊपर तुरंत चलेगी, यह मैं निवेदन करूंगा। और बाकी आपके विकास के लिए ये गणाई मुख्यमंत्री जी का लाडला हो, वे जब सीएम साहब के बैठाना के यार आदमी तो तकड़ो है, मैं क्यों ठेकड़ू चाहू तो मैंने बेरो है कि कहीं बोले आपने दिन को नहीं आ जाएंगे मगो आप पूछे पूछे मैं क्यों पूरा पूछे आपका निर्णय करवाड़ा भी पूर्वा भाई आगे लगो निर्णय आपने भी हाईकमान निर्णय करे कौन पार्टी में रहे कौन नहीं रहे, यदि आपने तो ये ही करो कि वो आपने सागे है इनके विकास के लिए आप खुली छूट दो, आपने काम कराओ, जनता जो भी करेगी वो ठीक करेगी, जनता जो करेगी
वो ठीक करेगी। इसलिए मैंने कहा, इन्होंने कहा एक बार आ जाओ, मैं क्यों मजाक करे, मैं क्यों भगवान जी ठेको जना आ जाओ, बोले कथा तारी ना हो थे बताओ, बोले एक ना आ जाओ तो मुगो यहाँ कमरम बैठ ऊट बागो विचार है गे। बोले क्या हम चार दिन तो सगड़ा है मीटिंग बट्टी कराने की बात करे है, और आजकल मैं प्रदेश देख नारो बनगो ना दरी ठड़ी कर सी गए, बोले दरी गोली करो आर तो देख मेरा भाई। तो वास्तव में बहुत अच्छे मन से आप लोग आए, अच्छे लोग हो, समझना पड़ेगा केंद्र की नीतियों को समझना पड़ेगा, अपने हक की अधिकार की बात को समझना पड़ेगा, किसमें अपना फायदा है किसमें अपना नुकसान है इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि साहब राजस्थान में तो परंपरा है एक बार एर एक बार है, मैं क्यों भाई बाप परंपरा हाथ जोड़ निवेदन करूं, मैं जनता को मूड नबज पहचानू, अब कण आप परंपरा टूटेगी दोबारा कांग्रेस को सरकार बनेगी। ठाके पानी कह दिए मारे एक लगन की नहीं है, थाने जताणू पड़ेगा काम में, थाना तय करनी पड़ेगी कि भाई मोदी जी बहुत कूटिया माने बैठे रोड के ऊपर बॉर्डर के ऊपर है, और मारी एक नहीं सुनी न मारे लिए कच्ची कच्ची खोटी बात कही, इसलिए अब कण है वोट। डेढ़ साल कोरोना में शानदार काम, अच्छो बजट, ढाई साल में कांग्रेस सरकार का विकास का काम, अच्छी नीति, 36 कोमा ने साथ फिर चाल बारी पार्टी भी, पार्टी ने एक बार अब कड़ा और मौको देंगा और राजस्थान में विकास की गंगा बहाऊंगा, वो फैसलो आपने कर लो पड़ेगा। आई आग्रह करवा के लिए आपके बीच में मैं हाजिर हुई हो, आप सब मेरे कत्तो लाड गिरो कत्तो कोड गिरो के लिए तो शब्दा में बयान को नहीं कर सकूं, लेकिन मैं एक बात इतनी कह सकूं कि बहादरा को कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा कहे गो कि गोविंद सिंह डोटासरा तेरे से या तेरी सरकार से मेरा ये काम हो सकता है, तो रात को 2:30 बजे भी उठ खड़ा होगा, आपके लिए खून पसीना बहाने को तैयार है, आपके हर काम जायज काम को करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने सम्मान दिया, आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।